हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे पत्ता गोभी की उन्नत खेती, कैबेज फार्मिंग। बरसात में पत्ता गोभी की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। यदि आप भी बरसात के दिनों पर पत्ता गोभी खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन और चुनाव करना चाहिए, यानी सीड्स सिलेक्शन। तो नामधारी सीड्स की NS43 के नाम से आती है, सिजेंटा कंपनी की BC76 के नाम से आती है, सेमनिस की बंडर बॉल है, नामधारी सीड्स की NS183, ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। इंडो अमेरिकन की इंडम राधा के नाम से आती है, और साथ ही महिको की माही रानी, हाईवेज की प्रतीक और सेमनिस कंपनी की इंदु वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और नामधारी सीड्स की भी जो वैरायटी रहती हैं वो भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी रहती हैं। तो क्या आपने इससे पहले पत्ता गोभी की खेती की है? क्या आपने इससे कोई वेस्ट वैरायटी को लगाया है जिसका उत्पादन अच्छा रहा है? यदि यस, तो फिर कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट्स में उस वैरायटी का नाम ज़रूर बताएं ताकि अन्य किसान भाइयों की भी हेल्प हो सके, मदद हो सके। टाइमिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। पत्ता गोभी की खेती आप बरसात पर जुलाई से अगस्त के मध्य आप खेती कर सकते हैं, सर्दियों में अक्टूबर से नवंबर, गर्मियों में जनवरी से फरवरी के मध्य दोस्तों आप पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी नॉर्मल तरीके से आपको फार्म की प्रिपरेशन कराना चाहिए। और ध्यान रखिए, यदि आप बरसात के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो जो बेड हैं वो चौड़ाई ज़्यादा नहीं बल्कि ऊंचाई रखने की कोशिश करें। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेड किस प्रकार तैयार करना है? सबसे पहले 1 से 2 बार कल्टीवेटर दखफट दो दाल से पहली और दूसरी प्लोविंग कराना चाहिए। उसके बाद डिस्क हैरो या फिर रोटावेटर की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी कराना चाहिए। बेड की चौड़ाई आपको 2.5 फीट रखनी, बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट और बेड की ऊँचाई 1 से 1.5 फीट रखनी चाहिए। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। तो जो बेसल डोज है, जब आप वेट तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए SSP 100 किलो, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली 30 किलोग्राम, DAP 50 किलोग्राम, दीमक की समस्या है, वाइट ग्रब की समस्या है तो फिर 5 से 10 किलोग्राम रीजेंट GR दानेदार इंसेक्टीसाइड गोबर खाद 2 से 3 ट्रॉली, इन सभी को मिक्स करके बेड के ऊपर देकर बेड तैयार कराना चाहिए। नर्सरी तैयार के ऊपर डिस्कशन करें दोस्तों, तो घर पर आप पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं 25 दिन में। प्लास्टिक प्रोटेर में यदि नर्सरी तैयार करेंगे तो 25 डेज में नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो नर्सरी तैयार करने के लिए वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट खाद की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक एक बीजों को भर करके कुछ इस प्रकार शेड नेट खींच करके आपको मतलब नर्सरी तैयार कराना चाहिए। नर्सरी तैयार करा रहे हैं तो इंसेक्ट का प्रकोप देखने के लिए मिलेगा, तो इसके लिए इमीडा क्लोरोप्रेट 17.8% SL इंसेक्टीसाइड 1 लीटर पानी में 1 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। फंगस के लिए CM75 जैसे UPL की सब फंगीसाइड आती है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम की दर से आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। जड़ों का अच्छा विकास हो तो ह्यूमिक एसिड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड आपको लेना है 50 ग्राम, NP घुलनशील खाद 19 से 50 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके नर्सरी जब 12-15 दिन के आसपास की हो तब स्प्रे करेंगे तो जड़ों का काफ़ी अच्छा विकास होगा, नर्सरी एकदम हरी भरी रहेगी। और फंगस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो फिर इसके लिए काम कर सकते हैं कि सिजेंटा कंपनी की रेडोमल गोल्ड फंगीसाइड 15 लीटर पानी में आपको 50 ग्राम की दर से यदि स्प्रे करेंगे तो जो नर्सरी पर लगने वाली समस्याएँ फंगस ईजिली तरीके से कंट्रोल हो जाएंगी। जब भी आप फील्ड पर पौधरोपण कर रहे हैं तो पहले अच्छे तरीके से ठीक तरीके से सिंचाई कर लीजिए। ड्रिप आप बिछवा सकते हैं, 16 mm इनलाइन की ड्रिप भी बिछवा सकते हैं। और मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। तो कम दिन की फसल है तो 20 से 25 माइक्रोन का ही मल्चिंग पेपर आपको लगाना चाहिए। जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो नर्सरी पर डाउ एग्रोसंस की डेलीगेट यानी स्पाइन टोरम 11.7% SC इंसेक्टीसाइड 15 लीटर पानी में 15 ml की दर से यदि आप नर्सरी पर स्प्रे करके पौधरोपण करेंगे तो फिर नर्सरी पर कोई भी इंसेक्ट पेस्ट की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। पौधरोपण आपको हल्के हाथों से करना चाहिए और पौधे की दूरी 1 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट और 1 फीट पर डबल लाइन पर आपको जिगजैग पौधरोपण करना चाहिए कुछ इस प्रकार। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। तो जो सीड्स की रिक्वायरमेंट है प्रति एकड़ की दर से जानकारी शेयर कर रहे हैं। यह जो रिक्वायरमेंट कम और ज़्यादा भी हो सकती है, डिस्टेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहता है। तो 1 एकड़ में आपको ये मान लीजिए दोस्तों 150 से 180 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है यदि आप 1 एकड़ में पत्ता गोभी खेती कर रहे हैं। तो
दोस्तों बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम वीट कंट्रोल। तो अक्सर किसान भाई क्या करते हैं कि पत्ता गोभी की जब खेती करते हैं तो दोनों बेड के बीच में जो खरपतवार उग जाता है वहाँ पर ग्लाइफोसेट 41% SL हर्बिसाइड का भी स्प्रे कर देते हैं, लेकिन यह गलत है। यदि आप प्रॉपर खरपतवार नाशक का स्प्रे करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो भूमि है वो कम उपजाऊ और बंजर धीरे धीरे होती जाएगी। तो सबसे बेस्ट है कि पावर वीडर की मदद से दोनों बेड के बीच में यदि खरपतवार उग भी गया है तो वहाँ पर आप वीडियो पर जो आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार शिमला मिर्च की फसल पर दिखाया जा रहा है, कुछ इस प्रकार पावर वीडर को चला सकते हैं, खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं और निराई गुड़ाई तो सबसे बेस्ट है। तो प्रॉपर साफ सफाई बनाए रखें। और इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सिंचाई। बरसात पर यदि पानी गिर रहा है तो ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी पानी नहीं गिर रहा है तो ड्रिप से 2 से 3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें, 2-2 घंटे। और फ्लैट एरीगेशन से यदि आप सिंचाई करेंगे तो 8 से 10 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। थोड़ा सा जो आपको स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर एरीगेशन से सिंचाई करने पर थोड़ा सा परहेज कर सकते हैं, फ्लैट एरीगेशन सर्वश्रेष्ठ है। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो पत्ता गोभी की फसल पर तमाम प्रकार की बीमारी रोग डिजीज़ का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। खासकर DBM है, सेमी लूपर सिल्ली है, एफिड जैसेड, सफ़ेद मक्खी, दीमक की समस्या देखने के लिए मिलती है, और वहीं फंगस पर पाउडर मिल्ड्यूड है, डाउनी मिल्ड्यूड है, कैबेज मैगट्स की समस्या देखने के लिए मिलती है। और समस्याएं तो कई हैं जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, इनके बारे में ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे बल्कि बात करेंगे कैसे आप रोकथाम कंट्रोल कर सकते हैं। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो पत्ता गोभी की फसल पर कई प्रकार की समस्या आती हैं यदि हम समय रहते कंट्रोल नहीं करेंगे, खासकर DBM है, सेमी लूपर सिल्ली है, तो कौन कौन समस्या आती हैं इनके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। फिर शानदार कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बतलाने वाले हैं कि इन दवाओं को आप अपनी पत्ता गोभी की फसल पर स्प्रे करके बेहतरीन रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कीट प्रबंधन, कौन कौन से कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो प्रमुख रूप से एफिड जैसिड, थ्रेप्स, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, DBM बहुत बड़ी समस्या, कैबेज मैगट की समस्या देखने के लिए मिलती है, इसके अलावा सेमी लूपर्स पत्तियों को खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, दीमक की समस्या देखने के लिए मिलती है, इसके अलावा दोस्तों पाउडर मिल्ड्यूड है, डाउनी मिल्ड्यूड है, आद्र गलन है, एंथ्राकिनोज है, पत्ता गलन की समस्या आती है, रूट रॉट की समस्या आती है, और जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। तो ज़्यादा हम कीटों पर बात नहीं करेंगे बल्कि कीट जो आते हैं उनका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप, इसके बारे में हम ज़्यादा बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट स्प्रे। जब हमारी फसल दोस्तों ट्रांसप्लांट से बीच से 25 दिन के आसपास की फसल होती है तो बायर कंपनी की सोलिमान इंसेक्टिसाइड 10 ml, M45 फंगीसाइड 40 ग्राम, पोषक सुपर 25 ml, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 50 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है, सिजेंटा कंपनी की एविसेंट 3 ग्राम, बायर कंपनी की एंट्राकॉल 40 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 70 से 75 दिन की फसल होती है तो सिजेंटा कंपनी की एम्पलीगो, क्योंकि 70 75 दिन के आसपास फसल होती है तो इल्ली का प्रकोप बढ़ जाता है, तो यदि लग रहा है कि हाँ प्रकोप है तो एम्पलीगो 10 ml, रोको फंगिसाइड थायोफेरिन मिथाइल जिसमें 70% WP फंगिसाइड है 40 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल कर स्प्रे करना चाहिए। तो इस हिसाब से केवल 2 से 3 स्प्रे की आवश्यकता होती है पत्ता गोभी की क्रॉप पर। तो इस प्रकार आवश्यकता अनुसार यदि आप स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट और आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं खाद शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो एक प्रॉपर यदि पोषक तत्व की पूर्ति करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा और फसल जो बढ़वार है, जड़ों का विकास है वो शानदार तरीके से होने वाला है। तो जड़ों का अच्छा विकास हो तो इसके लिए यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, फर्स्ट खाद 20 से 25 दिन की फसल होती है, सेकंड खाद 50 से 55 दिन। तो ये दो कॉम्बिनेशन हैं और जानकारी प्रति एकड़ की दर शेयर कर रहे हैं इन खादों को एक एकड़ में, और खाद देने का जो तरीका है जड़ों से 3 से 4 इंच दूर थोड़ा सा निराई गुड़ाई करनी है, मिट्टी को खोद करके जड़ों के पास खाद दीजिए और मिट्टी को फिल कर दीजिए और फिर सिंचाई करिए, बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलेगा। लाइफ साइकिल, तो जो लाइफ साइकिल पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार होने में 25 दिन 30 दिन के आसपास का समय लग जाता है और ट्रांसप्लांट से 60 से 65 दिन के आसपास का समय रहता है, तो टोटल 75 से 90 दिन में यह क्रॉप तैयार हो जाती है। और वहीं लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो एक एकड़ में 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। बाजार भाव जो हमारे किसान भाइयों को मिलेगा 10 रुपये से 40 रुपये के मध्य प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलेगा। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो एक एकड़ में कम से कम 300 क्विंटल के आसपास पैदावार देखने के लिए मिलेगी। मुनाफा नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं
तो सभी लागत को काटकर यदि आप बरसात के दिनों पर पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो लगभग 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के आसपास सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। यदि थोड़ा सा बाजार भाव कम भी मिलते हैं, 10 से कम के भी मिलते हैं, उत्पादन घटता है, तो ये मान लीजिए 2.5 लाख रुपये आप 1 एकड़ से पत्ता गोभी क्रॉप से कमाई कर सकते हैं। वीडियो में हमने सभी के सभी टॉपिक कवर किए हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर किया है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव है वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन खाली कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको हमने पत्ता गोभी की सफल खेती आप कैसे कर सकते हैं डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर की। मिलते हैं इसी प्रकार एग्रीकल्चर और न्यू फसलों से संबंधित जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।